जयपुर में लगातार तेज बारिश हो रही है, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। इसी बीच आयुक्त रुक्मणी रियाड ने सभी जोन डीसी अधिकारी और कर्मचारी को फील्ड में रहने के निर्देश दिए हैं। जल भराव वाले क्षेत्रों पर फोकस करने के भी निर्देश दिए हैं। सभी फायर स्टेशन के अधिकारियों कर्मचारियों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया। आयुक्त रुक्मणी रियाड स्वयं भी दौरे पर है, जल भराव वाले क्षेत्रों की मॉनिटरिंग कर रही है। वहीं महापौर सौम्या गुर्जर ने भी अधिकारियों और कर्मचारियों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है और आमजन से भी अपील की है कि जल भराव वाले क्षेत्रों में ना जाए, साथ ही बारिश में बिजली के पोल बिजली के तारों से भी दूरी बनाए रखे ताकि कोई जनहानि ना हो। आमजन की हर संभव मदद के लिए नगर निगम ग्रेटर तत्पर है। आयुक्त रुक्मणी रियाड ने भी जेपी अंडरपास लालकोठी सब्जी मंडी मालवीय नगर क्षेत्र के अंदर जल भराव वाले क्षेत्रों में एसएमएस स्टेडियम के पास क्षेत्र का जायजा ले रही हैं। वहीं अतिवृष्टि को देखते हुए आवासन आयुक्त इंद्रजीत सिंह जयपुर का दौरा कर रहे हैं, व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। इंदिरा गांधी प्रताप नगर मानसरोवर सहित अन्य इलाकों का भी दौरा कर रहे हैं। मंडल के सभी अभियंता भी फील्ड में मुस्तैद है। वहीं तेज बारिश को देखते हुए हिंडोन सिटी में बाढ़ से हालात बिगड़े हुए हैं। बाढ़ आने की संभावना लगाई जा रही है और वहां पे राजस्थान पुलिस नाव में सवार होकर आमजन की मदद कर रही है। वहीं प्रदेश मौसम अपडेट को लेकर राधेश्याम शर्मा निदेशक ने मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है। उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी भी अगले 2-3 दिनों तक इसी पोजिशन पर बने रहने की संभावना है। इसके असर से खासकर भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग, शेखावटी क्षेत्र, कोटा संभाग के कई इलाकों में मध्यम से तेज दर्जे की बारिश और कहीं कहीं भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश की संभावना अगले 2-3 दिन बनी रहेगी। खासकर जयपुर और आसपास के इलाकों में अगले 48 घंटों के दौरान रुक रुक कर मध्यम से तेज बारिश दर्ज होगी। इसके अलावा बीकानेर संभाग के चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के जो उत्तरी भाग हैं इनमें भी अगले 48 घंटों के दौरान कहीं कहीं मध्यम तो कहीं कहीं तेज भारी बारिश होने की संभावना है। आम जन से मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से यह अपील की जाती है कि कृपया करके इस भारी बारिश के दौर में विशेष सावधानी बरतें। जो जल भराव वाले इलाके हैं उनसे दूर रहें। नदी नाले या जो वाटर बॉडीज हैं उनसे भी विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। इसके अलावा वाहन चालक भी कृपया करके विशेष सावधानी रखें, यथासंभव ही घर से बाहर निकलें।